Hello everyone, welcome to English class. Today we are going to discuss about the chapter 6 of the English grammar. The name of the chapter is Nouns, Common and Proper Noun. So today we are going to discuss about the proper noun and common noun. Previously we have already discussed about noun. Okay, so I will be giving you two examples first, and after that we will be discussing about the common noun and proper noun. Suppose there are two sentences. Different sentences. First one, the girl entered the room. Ek ladki room ke andar enter ki. Second one, Anu entered the room. Yes or no? So yahan pe Anu kaun hai? Ek ladki ka naam hai. Yahan pe hum kya bole hai? Ek ladki room mein enter ki. Yahan pe Anu room mein enter ki. To yahan pe jo girl hai, Anu bhi girl hai. Girl hai ki nahi? So ये जो फर्स्ट सेंटेंस में हमको जानना है गर्ल क्या है, ये कॉमन नाउन है. गर्ल इज कॉमन, वेयर एज अनु इज प्रॉपर नाउन. अनु इज प्रॉपर नाउन. सो यहां पे जब सेंटेंस में है तो इन फर्स्ट सेंटेंस इट मे बी एनी गर्ल हु एंटर्ड द रूम. यस और नो? यहां पे द गर्ल एंटर्ड द रूम. सपोज पांच लड़कियां हैं, रितु, सितु, मितु, अनु, माया. यस नो? देयर आर फाइव गर्ल्स. मैं अगर बोलूंगी द गर्ल एंटर द रूम, उनमें से कोई भी एंटर कर सकता है, एनी गर्ल, देयर इज नो पर्टिकुलर. यस और नो? बट इन सेकंड सेंटेंस अनु एंटर द रूम. अनु जो एक लड़की है, अनु ही रूम के अंदर गई. समझ में आया? प्रॉपर है. हम किसको बोल रहे हैं वो प्रॉपरली हमको समझाता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. सो सेकंड सेंटेंस में क्या है? अबाउट अ पर्टिकुलर गर्ल, टेल्स अबाउट अ पर्टिकुलर गर्ल हुज नेम इज अनु. सो अभी हमको समझ में थोड़ा बहुत आ गया कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है. सो और एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. उसी तरह द बॉय इज हैप्पी. कोई भी लड़का हो सकता है, एक लड़का खुश है. यहाँ पे क्या है? जॉन इज हैप्पी, मतलब हम पर्टिकुलरली किसी एक का नाम ले रहे हैं. उसी तरह अगर बोलेंगे देयर आर सेवरल ब्यूटिफुल सिटी. यस और नो? सिटीज, आगरा इज ए ब्यूटिफुल सिटी. यहां पे क्या है? ये सिटी जो है ये हो गया कॉमन नाउन, लेकिन आगरा जो है पर्टिकुलरली एक सिटी का नाम है, ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन. सो अभी आपको समझ में आ गया क्या है कॉमन नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं. यस और नो? सो हम बोलेंगे आई लव माई कंट्री, तो यहां पे कंट्री क्या होगा? कंट्री विल बी कॉमन नाउन. द नेम ऑफ माई कंट्री इज इंडिया, तो कंट्री विल बी कॉमन नाउन, इंडिया विल बी प्रॉपर नाउन. मेरा देश का नाम इंडिया है. क्या है?
इंडिया है, तो हम किसी चीज को पर्टिकुलरली बोल रहे हैं। तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, द नेम्स गिवन टू पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स विच आर ऑफ सेम काइंड ऑफ ओके। The names given to persons, animals, places or things which are of same kind. जैसे example like tree. Listen no? Tree कोई भी tree हो सकता है, लेकिन अगर हम बोलेंगे mango tree, ये हो जाएगा proper noun, क्योंकि हम किसी एक के बारे में properly बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। उसी तरह boy, ये हो जाएगा कॉमन नाउन, कोई भी लड़का, लड़का प्रजाति को लड़का का, तो राम, लेकिन राम हो जाएगा प्रॉपर नाउन। उस तरह गर्ल, स्वाति, स्वाति हो जाएगा प्रॉपर नाउन ओके। उस तरह जैसे रिवर, कोई भी रिवर हो सकता है कॉमन नाउन। महानदी, ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन ओके। अभी आपको समझ में आया प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन ओके। सो लेट अस डू सम एक्सरसाइजेस फॉर यू ओके। One में दिया है, राइट एनी टू प्रॉपर नाउन्स फॉर द कॉमन नाउन्स गिवन बिलो। सपोज दिया है नंबर टू, गर्ल, ये कॉमन नाउन है, उसका हमको दो प्रॉपर नाउन लिखना पड़ेगा। फोर, कंट्री, इसका भी हमको दो प्रॉपर नाउन लिखना पड़ेगा। गर्ल स्वाति, मीता, कोई भी लड़की का नाम दो, हाँ कि नहीं। कंट्री इंडिया, ईरान, बिल्डिंग, कुतुब मीनार, ताजमहल, प्लेयर सचिन तेंदुलकर, कोई प्लेयर है कि नहीं, क्रिकेट खेलता है, सौरव गांगुली, आप खुद से भी लिख सकते हो ओके।
आपको उस तरह पूरा 10 टू लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज 2। यहाँ पे दिया है अंडरलाइन द कॉमन नाउंस एंड द सर्कल द प्रॉपर नाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ओके लेट मी डू सम एग्जांपल्स। ओके सोनी एंड महिमा आर टू इंटेलिजेंट गर्ल्स इन दिस क्लास। नंबर टू में सोनी एंड महिमा आर टू इंटेलिजेंट गर्ल्स इन दिस क्लास। तो हमको क्या करना है, हमको कॉमन नाउन को अंडरलाइन करना है और प्रॉपर नाउन्स को सर्कल करना है। तो सोनी एक लड़की का नाम है पर्टिकुलरली, ये प्रॉपर नाउन है उसको सर्कल करना है। महिमा भी एक लड़की का नाम है उसको भी हम प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर ये प्रॉपर। लेकिन क्लास गर्ल्स ये सब क्या है, ये कॉमन नाउन है, कोई भी गर्ल्स हो सकता है कोई भी क्लास हो सकता है। उस तरह रामायण इज द होली बुक ऑफ हिंदूज, बुक ये कॉमन नाउन है, कोई भी बुक हो सकता है, हिंदूज कॉमन हो, हिंदू के अंदर बहुत जन होते हैं ये सब लोग, लेकिन रामायण क्या है वो प्रॉपर नाउन होगा, ये बुक का नाम है। क्रिसमस इज द फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस, क्रिसमस क्या होगा, क्रिसमस एक ही त्योहार है वो प्रॉपर नाउन, लेकिन क्रिश्चियंस जो होंगे वो कॉमन नाउन हो जाएगा। ओके ओके रेस्ट ऑफ यू, रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स यू डू योरसेल्फ। ओके इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कॉन्टेक्ट मी, आई विल बी अवेलेबल। ओके थैंक यू।